कांग्रेस बीजेपी का चुनाव नहीं हो रहा यहाँ, यहाँ चुनाव हो रहा है विकास का। मैं कहना चाहता हूँ राहुल कस्बा से, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। राहुल कस्बा की एक तरफी थी, एक टक्करी थी, 5 लाख वोट दी थी भाजपा 400 पार और झाझरिया जी 5 लाख वोटों से और विजय हो गए। और ये 400 पार की करते हैं ना बातचीत, मैं आपको जिंदगी का दावा लगाता हूँ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा और मेरा जीवन त्याग दूंगा। मोदी जी 400 सीट ले आएंगे। अगर किसी नेता पे ईडी के छापे पड़ गए, सीबीआई के छापे पड़ गए, जैसे भी उसने बीजेपी ज्वाइन करी, वो सारे जो मामले हैं वो दब जाते हैं, वो सब काम हो जाता है। फिर माइका लाल पैदा नहीं, झाझरी होगा राधे कोई शुरू से ये कसुआ ही जीतेगा, इसके अलावा कोई जनादार नहीं है। माइका लाल पैदा नहीं, झाझरी होगा राधे कोई हमारा चेहरा ना, हमारा परिवार, हमारा वतन, हम देश देश के लिए मरेंगे जिएंगे और मोदी जी के साथ ही रहेंगे। मरु प्रदेश यानी राजस्थान में इन दिनों गर्मियों का सीजन चल रहा है और तपते सूरज के सामने धरती भी रो रो कर दुहाई मांग रही है कि कैसे भी बारिश का मौसम आए। हाल फिलहाल हम सुरू शहर में खड़े हैं जो कि प्रदेश का सबसे गर्म शहर कहा जाता है। यहाँ की राजनीतिक सरगर्मियां भी बहुत तेज हैं और गर्म है, जिसकी पूरे देश में चर्चा का बनी हुई है। हाल फिलहाल चुरू शहर में 2 कैंडिडेट लोकसभा चुनाव में उतरे हुए हैं, पहला राहुल कस्बा जो कांग्रेस पार्टी से है और दूसरा बीजेपी से पार्टी से देवेंद्र झाझड़िया है। देवेंद्र झाझड़िया के पास केवल और केवल पैरालंपिक्स और गेम में गोल्ड मेडल है, उसके आधार पर बीजेपी ने उनके दाव खेला है। लेकिन राहुल कस्बा के पास पैतृक जो अपने बाप दादाओं से मिली हुई संपत्ति है वो है राजनीति। राजनीति में वो उसका पिताजी भी रहे थे और आज हाल फिलहाल वो भी राजनीति कर रहे हैं। राजनीति में उनका वर्चस्व अच्छा खासा है। जातिगत वोट जो है वो यहाँ पे ज्यादा दिया जाता है, तरजीह दी जाती है, यहाँ पे पार्टीबाजी नहीं होती। चुरू शहर में केवल और केवल जाति को वोट दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सुहाने सफर को, रोमांस को, जहाँ पर दोनों ही पार्टी, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बात करें बीजेपी की, दोनों ही पार्टी के लोग और समर्थक एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे, एक दूसरे की पोल खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, इस सुहाने सफर को द नगरी मीडिया के साथ। राजस्थान प्रदेश वो प्रदेश है जहाँ की गर्मी हो या सर्दी हमेशा पूरे देश भर में चर्चा का विषय रहती है। हाल फिलहाल गर्मी चल रही है और गर्मी में तपता राजस्थान, उसके बाद में आता एक शहर चुरू जहाँ की गर्मी कभी शांत नहीं हुई, बात चाहे राजनीति की करें चाहे गर्मी की करें मौसम की करें। हाल फिलहाल हम चुरू में खड़े हैं जहाँ पर तमाम जो पब्लिक है, लोकसभा चुनाव आ गए हैं, 19 और 26 अप्रैल को लोकसभा दो फेज में चुनाव होने हैं राजस्थान में, तो मेरे साथ पब्लिक जमा है यहाँ पे। चुरू की गर्मी जो है इस पब्लिक के दिलो दिमाग में बसी हुई है, हम जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 कैंडिडेट विशेष रूप से उतर रहे हैं मैदान में, जो कड़ाके की जो टक्कर है वो रहने वाली है। पहली बात करें कांग्रेस की तो राहुल कस्बा यहाँ पे अपना दावेदारी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं, वहीं पे देवेंद्र झाझड़िया हैं जो पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनको बीजेपी ने अपने दावेदार बनाया है। तमाम जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि चुरू की गर्मी में कितना उछाल है राजनीति में। सर सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, किस प्रकार देखते हैं राहुल कस्बा एक तरफ देवेंद्र झाझड़िया? हम बीजेपी को मोदी जी को देखना चाहते हैं, देवेंद्र झाझड़िया जीते हम ये चाहते हैं। राहुल कस्बा भी लगातार ताल ठोक रहा है, लगातार उसके जो चर्चे हैं वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। राहुल कस्बा को मौका 2 बार मिला है, अब वो पार्टी चेंज कर ली, उसको नहीं करनी चाहिए थी, सबर करता तो आगे और मौका मिलता उनको। लगता है कहीं ना कहीं पार्टी चेंज करने से उसके करियर में या फिर वर्चस्व में कमी आई है? हाँ, कमी आज बिल्कुल आएगी, ये बिल्कुल निश्चित है। ये कैसे? जिसने पार्टी छोड़ के जनता का विश्वास है ना, वो तोड़ दिया। राजनीति कहते हैं, बिल्कुल ये राजनीति इसे कहते हैं, इसे थोड़ी कहते हैं। जनता ने विश्वास किया था उनपे, उनको 2 बार 3 लाख प्लस से चुनाव जिताया और आज वो जनता का विश्वास तोड़ की वो कांग्रेस का दमन थाम लिया। जनता ये लड़ने की अभी घोषणा की थी उन्होंने, बाद में थामा कांग्रेस का, वो आगे की चीज है, वो उनकी सोच थी उसने क्या करना था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का दमन थाम लिया, पार्टी के साथ उन्होंने धोखा किया और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन पर इतना विश्वास करते थे और एक बार टिकट कटने पर उन्होंने अलग अलग लोगों को दोषी ठहराया है और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, साहब हमारा साफ सुथरा। विकास की बात करें चुरू डिस्ट्रिक्ट की, विकास वो कहां से गिना रहे हैं? वो तो भारतीय जनता पार्टी का विकास गिना रहे हैं। मोदी जी का जो दिया हुआ है ना चारा, वो विकास था, उसको गिना रहे हैं वो तो। कांग्रेस दावे कर रही है कि जब राहुल कस्बा अपने यहाँ पे वर्चस्व में थे तब उन्होंने विकास नहीं करवाया, लेकिन अब कांग्रेस में आने के बाद वो विकास कराएंगे? नहीं, कहाँ से कराए, मोदी जी 400 प्लस जा रहे हैं, ये निश्चित है कि सेंटर की गवर्नमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, तो आप मान लीजिए उसके पास क्या सामान बचेगा,
और मैं यहाँ की तमाम जनता को ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर विकास के साथ रहना है, पावर के साथ रहना है, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। ये हमारे खान साहब हैं चूरू के मोमडन भाई, जिन्होंने ये देखो बताओ खान साहब इनको मीडिया देखिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पे मोमडन बहुल्य क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे हम हाल फिलहाल खड़े हैं कि खान साहब के साथ में, जिन्होंने चप्पल जूते नहीं पहनने की सौगंध खाई है। उन्होंने प्रण लिया है कि जब तक देवेंद्र झाझड़िया बीजेपी समर्थक है, मैं लगातार कवरेज दिखा रहा हूँ आपको। सर क्या नाम, आपका नाम बता दीजिए। महबूब कादरी। कादरी साहब, सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि मोमडेंस जो लगातार देखने में मिला आज तक, वो कांग्रेस समर्थक रहा है, लेकिन आज पहला एक मौका देख रहा हूँ कि आप बीजेपी समर्थक है, बकायदा बैच लगा रखा है और चप्पल जूते नहीं पहनने का प्रण लिया है, क्या पूरा मामला है बता। मेरा कहने का मतलब यही है कि जो मैं प्रण लिया हूँ वो मुझे मालिक साथ दिया है, ऊपर वाले ने साथ दिया है, और मैं मेरे दिल और सच्चे ईमान से, और मैंने ये कहा है कि भाजपा 400 पार और झाझड़िया जी 500,00,000 वोटों से और विजय हो गए और दिल्ली जाएंगे और राजेंद्र सिंह राठौड़ को और हलाल भाई साहब को पद मिलेंगे जब मैं चंपल पहनूंगा। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि राजेंद्र सिंह राठौड़ जो लगातार शुरू के जाने माने कदावर नेता थे, उन्होंने वो चुनाव हार गए विधानसभा में। ये बहुत बड़ी दुख की बात है, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। राजेंद्र सिंह तो एक वो हीरा है जो पूरी राजस्थान में लाइट फैला देता है। हरे कैसे फिर वो हरे तो ऐसे के बड़ा बड़ा देवता के साथ भी धोखा हुआ है, देवता के साथ भी धोखा हुआ है, तो हम तो इंसान है, जनता के दिलों में उनके प्रति हम आज भी उनके लिए हमारी नाड़ कटा सकते हैं। कोई माइन का लाल पैदा किया है तो महबूब कादरी के तलवार धरो गर्दन पे, और मैं कहूंगा फूल जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वापस घूम के वही आ रहा है कि राजेंद्र राठौड़ का चुनाव हारना बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। नहीं जी हारेगा, ये मेरा वादा है आज, ये अल्लाह रसूल का कर्म से और मेरे बड़े पीर घोष पाक के सदके से माइका लाल पैदा नहीं झाझड़ी को हरा दे कोई, ये मेरा वादा आज। राजेंद्र सिंह राठौड़ की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे विधानसभा चुनाव हार गए, ये राठौड़ी चुनाव जीतेगा, लड़ नहीं रहे भी, ये राठौड़ी जहाँ चुनाव जीतेगा, ये चुनाव राठौड़ को दे रहे हैं सरेस का। हाँ, ये राठौड़ विधानसभा में कैसे आ रहे, विधानसभा में राहुल जी का शुगर आया वाला मैं रवाया खुद रवाया तारानगर कैसे कैसे हाँ कैसे गए वो जातिवाद करके इन लोगों ने राया के जनता जातिवाद को हो चाहे विकास को लेकर मुद्दे बने हो, लेकिन कहीं कहीं मुद्दा तो बना ही है। इसका मतलब कि राजेंद्र राठौड़ के प्रति नफरत पैदा हुई थी जनता के, या चूरू की जनता में नहीं उनके दिल में हुई थी पैदा। राहुल के गद्दारी की वजह से आ रहे हैं वो लोग, राठौड़ साहब इनकी गद्दारी की वजह से आ रहे हैं। राठौड़ साहब को कोई हराने वाला नहीं था राजस्थान के अंदर, की गद्दारी ये इन लोगों ने की जिसने अभी कांग्रेस का दामन थामा है, उन लोगों ने गद्दारी की है इनके साथ। जीत रहा है लगातार, तीन बार जीत, दो बार जीता हुआ, इस बार भी जीत रहा है। नहीं जीतेगा आपके बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं जीतेगा आपके, आपका फूल को जीत, फूल झाझड़िया जीतेगा। कादरी साहब एक बार दोबारा आना चाहूंगा आपके पास, आपने चप्पल नहीं पहनने का प्रण लिया है, क्या संदेश देंगे? मैं चप्पल, आज कितनी तारीख है, 8, मैंने 6 तारीख को प्रण दिया था और रात के 9 बजे दिया था। सीताराम लुगरिए के घर पे डाबला रोड पे मीटिंग हुआ था। कौन है सीताराम जो डाबला रोड पे है, दिलीप सिंह का नेता है, तो वहाँ मैंने स्टेज पे बोला और राठौड़ साहब भाई से मेरे बात हुआ और लाल भाई साहब से बात हुआ कि कादरी साहब ये इतनी बड़ी कुर्बानी मत दो, मुझको मेरा एक खून का कतरा आपके कर्ज कर्ज करवाना है, मैं आज अपना मेरा फर्ज अदा करूंगा और झाझड़िया साहब 500,00,000 से और विजय बन के और दिल्ली जाएंगे और 400 पार हो जाएंगे और राजेंद्र सिंह राठौड़ को और हल्लार साहब भाई को पद मिलेंगे, जब भी संबल पहनेंगे चाहे मेरी पूरी जिंदगी गुजर जाए। ठीक है, क्या मैं कहना चाहता हूँ राहुल कस्बा से, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। तो इन्होंने एक शायरी में राहुल कस्बा का जवाब दिया है कि आपने पार्टी चेंज करी, दल बदू नेता बने, कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है आपको। बिल्कुल पुनिया जी आप आइए, क्या नाम है आपका? हरिराम पुनिया। इधर आइए। हरिराम जी, राहुल कस्बा है, राहुल कस्बा की एक तरफ जीत है, कोई मुकाबला नहीं है, कहीं टक्कर ही नहीं है।
पांच लाख वोटों से जीतेगा। लेकिन यहाँ पे बीजेपी समय तक ज्यादा और इनका आपका सुझाव है, ये मेरा सुझाव है। ये लगातार 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 दावे कर रहे हैं कि लगातार कर रहे हैं, तभी तो कार्य गई तो वोट है। राहुल कसवा के बारे में ये भी कहा गया है कि उन्होंने दलबद्धू नेता है, वो दलबद्धू नेता है, वो नहीं कोई दलबद्धू नहीं है, आजकल सारे दलबद्धू। क्या बात है, कोई बीजेपी कांग्रेस वाले बीजेपी और उससे क्या फर्क पड़ता है, जनता कुछ नहीं, एक तरफी तो है किसान की तैसी है, किसानों की। लेकिन देवेंद्र झाझड़िया सबसे बड़ी बात यहाँ पे सरकार ने दाव खेला है, दोनों जाट हैं, और राहुल कसवा की बात कर ले, देवेंद्र झाझड़िया की बात कर ले, दोनों पे दाव खेला, दोनों पार्टियों ने एक मानस बना के दाव खेला, दोनों पे जाट हैं, कहीं कहीं जाट बाहुल्य क्षेत्र है या फिर जाट के जो सारे राहुल कसवा के साथ है, इतनी वोटों से जीत रहे हैं, 5 लाख वोट, 425 का नारा लगा रहे हैं। ये मैं नहीं बता रहा, मैं तो चूरू की कह रहा हूँ। नारों से कुछ नहीं होता, पब्लिक के दिमाग के अंदर में होता है जो भी होता है, और ये 400 पार की करते हैं ना बातचीत। मैं आपको जिंदगी का दावा लगाता हूँ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा और मेरा जीवन त्याग दूंगा मोदी जी 400 सीट ले आएंगे तो। चूरू की बात कर लें, चूरू से ये कसवा ही जीतेगा, इसके अलावा कोई जनाधार नहीं है। और क्यों जीतेगा, उसके पीछे क्या है, कांग्रेस बीजेपी का चुनाव नहीं हो रहा है, यहाँ चुनाव हो रहा है विकास का। मैंने 4 MP पहले भी देखे हैं, दौलतराम सारण देखा, नरेंद्र बुढ़ानिया को भी देखा है, और इसके पिताजी को भी देखा है, मोहर सिंह राठौड़ को भी देखा है, लेकिन जिन्होंने इतना काम इन्होंने किया है, आज तक किसी भी MP ने काम नहीं किया। समर्थक लगातार यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन उनका साफ साफ कहना है कि विकास कार्य नहीं करवाया, विकास कार्य नहीं करवाया, और पार्टी चेंज कर ली तो हमने उनपे विश्वास करके उनको मत दिया था, लेकिन आज पार्टी में चेंज करने के बाद में हमारा मत जो है वो अब बीजेपी में जाएगा, उनके विपक्ष में हो गए हम। ये तो पहले भी बीजेपी को देते थे, आज भी बीजेपी को ही देंगे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। माधवराज सिंधिया का बेटा भी गद्दारी करके वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गया था, तो मोदी जी ने क्यों उसको गले लगा लिया। अरे जब कांग्रेस में तब तो वो चोर है, और जब वो बीजेपी में चले जाते हैं तो वो दूध के धोए इज्जतदार हो जाते हैं, ऐसे कैसे होता है। साहब क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि हमारा कांग्रेस की 35 साल से ही पार्टी में जुड़ा हूं मैं एक दिन कसम खाई थी कि मेरा राशन कार्ड भी नहीं बना था कांग्रेस सरकार में। इनका कहना है कि जब कांग्रेस में रहता है, बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टी में रहता है कोई नेता, तब तक तो वो करप्टेड होता है, और जैसे ही बीजेपी में जाता है तो मोदी वॉशिंग पाउडर में ढुल जाता है और साफ हो जाता है। बीजेपी में एकदम पाक साफ पार्टी है, और ये हमारा परिवार है। इनका कहना यह है कि आल बिलाल कोई नेता अगर दूसरी पार्टी में रहता है तो वो करप्टेड होता है, लांछन लगते हैं उस पर, गद्दार होता है, लेकिन बीजेपी में जाते हैं साफ हो जाता है। तो गद्दार तो गद्दार ही रहता है, बीजेपी में जाते साफ हो जाता है। क्यों वो वहां साफ हो जाता है? क्यों हमारे दंगेंद्र नेता हमारी पार्टी में आ रहा है, हमारे कांग्रेस का दंगेंद्र नेता हमारी पार्टी में आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? साफ होने के लिए जाते ही साहब। अगर किसी नेता पे ईडी के छापे पड़ गए, CBI के छापे पड़ गए, जैसे ही उसने बीजेपी ज्वाइन करी तो सारे जो मामले हैं वो दब जाते हैं, वो सब काम हो जाता है फिर। आप ये मानते हो कि कहीं ना कहीं मोदी जो है तानाशाही सरकार चला रहा है? नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है, उसमें इल्जाम लगा रहा है, ये वो सबको एक नजर से देखता है। ये भी कहीं ना कहीं मुद्दा घूम रहा है कि मोदी वॉशिंग पाउडर में जाते धुल जाते हैं और साफ हो जाते हैं, जहाँ पे ईडी के छापे पड़ के लांछन लग चुके। आप भी धो लीजिएगा उससे। आपके साथी समर्थक कह रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ मैं समर्थन से कोई हो, आप भी वही काम कर लो जो साफ होता है, तो जो मोदी जी कर रहे हैं वो काम आप भी कर लो। हमारा चेहरा ना, हमारा परिवार, हमारा वतन, हम देश के लिए मरेंगे और जिएंगे, और मोदी जी के साथ ही रहेंगे। क्या कहेंगे सर आप? मोदी जी ने हिंदू और मुसलमानों की राजनीति की है, इसके अलावा गरीब जनता का शोषण किया, इससे अलावा कुछ नहीं किया है। आज आधार को फोन से जोड़ दिया, राशन कार्ड को फोन से जोड़ दिया, हर चीज को टेलीफोन से जोड़ दिया। जिसके घर में सब्जी के पैसे नहीं, वो 250 रुपये का रिचार्ज कहाँ से करवाएगा? 30 दिन का टाइम देता है। गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मोदी हमेशा ईडी और CBI का डर लिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, 100% इसमें कोई दो। आपके पास आना चाहूँ, क्या कहेंगे? ये सिर्फ इल्जाम लगाने की बात है। केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया शराब नीति घोटाले में, तो वो खोटा काम करेगा तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक प्रूफ नहीं हुए, प्रूफ हो जाएगा। उससे पहले जेल में डाल दिया गया, चुनाव नजदीक है, वो लगातार केजरीवाल ये कह रहा है कि चुनाव नहीं लड़ने के लिए जो मोदी है वो डर रहा है। ये सब गलत बात है, मोदी डरने वाला नहीं है। तो फिर जेल डाल दिया वो, आपके कर्म से चल गया तो शराब नीति का भी प्रूफ ही नहीं हुआ, प्रूफ हो गया।
कैसे तो बोल रहा है नहीं, वो वगैरह हमको तो नहीं लगा थाने में, हमको तो नहीं लगे थाने में। आप में और उनमें हमें बहुत रात के अंदर वो सीएम है दिल्ली के, और दिल्ली के सीएम ने ये कहा है कि अभी तक प्रूफ नहीं हुआ शराब घोटाले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि जल्द से जल्द ईडी प्रूफ करे कि शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ। उससे पहले रिमांड मांग लिया गया मोदी के इशारे पे, कहना जनता का है। हाँ तो वो पेश कर देंगे, वो पेश करेंगे, वो जो जेल में डाला है तो उसके पास सबूत भी होगा, वो पेश कर देंगे तो आगे जाएगा सुप्रीम कोर्ट। चुनाव नजदीक है, चुनाव से हम लड़ने नहीं दे रहे उनको, चुनाव के बाद में होगा काम। ये जनता कह रही है कि मोदी तानाशाही सरकार चला रहे हैं, सब गलत बात है। ठीक है, ये घोटाले तो 2014 से पहले भी हुए थे, 2G है, स्पेक्ट्रम घोटाला है, कोयला कोलगेट घोटाला है, कॉमनवेल्थ में गेम्स हुए थे वो भी घोटाले हुए थे, लेकिन वो अंत में जाके सुप्रीम कोर्ट से उनको क्लीन चिट मिली, जैसे वो घोटाले नहीं हुए। अब अपन चूरू की राजनीति में आ जाए, हमको ना तो बीजेपी से मतलब है ना कांग्रेस से मतलब है। एज ए मेंबर ऑफ MP प्राइम मिनिस्टर साहब है नरेंद्र मोदी जी, आज अगर धरातल पे बात करें तो भारत देश में उनके बराबर का कैंडिडेट या कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये कहने की बात है। और दूसरी बात ये, मैंने अपने जीवन में 4 बार वोट डाले, अवसर को देखते हुए, मौके को देखते हुए 4 बार वोट डाले। मैं ये नहीं कहता मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ, मैं ये नहीं कहता मैं कट्टर बीजेपी हूँ। मैंने 2 बार भाजपा को वोट किए हैं, 2 बार कांग्रेस को वोट किए अपने जीवन काल में, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे चूरू जिले का विकास हो। मुझे पार्टी से कोई मतलब नहीं है, जो स्थानीय नेता 35 साल से जीतता हुआ था, आप प्राचीन काल में जाइए, शहर की भौगोलिक स्थिति कौन बदल सकता था? एक राजा बदल सकता था। आज के जीवन काल में अगर शहर की कोई भौगोलिक स्थिति बदल सकता है तो वो वहाँ का स्थानीय विधायक या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है। और चूरू जिले की भौगोलिक स्थिति जिस दुर्दशा में पड़ी हुई है अभी के हालात में, तो कैंडिडेट जिम्मेदार इसके, आम जनता के ऊपर इसका कोई भी मतलब दोष नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। अगर धरातल पे अभी के हिसाब से बात करें, दोनों कैंडिडेट मजबूत हैं, हम चाहते हैं कि राहुल कसवा जीते, हम चाहते हैं कि देवेंद्र झाझड़िया भी जीते, ठीक है ना, लेकिन मेन बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि चूरू जिले का विकास किसने करवाया अभी तक? विकास तो राहुल कसवा ने जाहिर सी बात है करवाया है। अब ये कहने की बात है कि वो मोदी सेना से थे, पहले भाजपा से थे, लेकिन वो चूरू से जुड़े हुए तो है ही, चूरू जिले से तो जुड़े हुए हैं, तो वोट तो उनको मिलेंगे, जाहिर सी बात है मिलेंगे सर, 100% मिलेंगे। अजी साहब एक सवाल जहन में उठ रहा है कि देवेंद्र झाझड़िया गोल्ड मेडलिस्ट है लेकिन राजनीति में नए हैं, राहुल कसवा को अरसा हो गया, ये हिंदुस्तान का ये खिलाड़ी माना हुआ, इसको विदेश में रख रहा था। सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर है लेकिन उसको अगर राजनीति उतार दिया तो क्या राजनीति कर पाएगा? हाँ जरूर, एक नंबर पे कर पाएगा, दूसरा नंबर आप मानते हैं देवेंद्र झाझड़िया? हम मानते हैं बात को। गौतम गंभीर ने भी की है, गौतम गंभीर भी 2 बार सांसद रहे, राजनीति की है, वो भी क्रिकेटर था, रहेगा मोदी के बाद में दूसरा नंबर झाझड़िया का रहेगा। और राजस्थान में हमारे राजेंद्र सिंह राठौड़ रहेंगे। दिल्ली में गौतम गंभीर 2 बार सांसद रहा है, वो भी क्रिकेटर था, उसने राजनीति की है तो ये भी करेगा, क्या दिक्कत है इसमें? एक सवाल मैं और पूछ देता हूँ कादिर साहब आपसे कि जैसे ही भजनलाल सरकार सत्ता में आई, उस समय जब विपक्ष में सत्ता में बैठी थी, विपक्ष में बैठी थी बीजेपी, उस समय महिलाओं के मुद्दों को लेकर, सुरक्षा को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर लगातार मुद्दे बनाए थे, और जैसे सत्ता में आई उसी समय प्रदेश की राजधानी जयपुर में आधा दर्जन से ज्यादा धरने शुरू हो गए थे, जिसमें बात कर RYM की बात कर लें, राजीव गांधी युवा मित्र योजना की बात कर लें, बात कर लें एडिशनल की, बात कर लें एडिशनल लेवल फर्स्ट सेकंड थर्ड की, बात कर लें और तमाम जो सिफू की बात कर लें, जो पैरामेडिकल्स की 8 कैडर की भर्ती थी 20,546 की बात कर लें, उनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा थी, क्या कहेंगे इस पे आप? महिला की संख्या ही तो महिला खुश है मोदी से, मोदी के विपक्ष में वो बैठी, ये नहीं मानते हम बात, हम दिखा देंगे आपको, हमारे पास रिकॉर्डेड है। देखो ये बात ये है कि देखो बात असल बात ये है कि इसकी अब की बार 400 पार और झाझड़ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, राजेंद्र सिंह राठौड़ और हल्लाल साहब पद लेके आएंगे, जदी जबल पहनेंगे हम तो, हम यही जानते हैं बस। सर आपसे आप युवा हैं, आपसे बताना चाहूंगा कि राजेंद्र राठौड़ और झाझड़िया को लेकर लगातार जीत के दावे किए जा रहे हैं, समर्थक मेरे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप इस राजेंद्र राठौड़ के लिए समर्थन में? सर ये ऐसा है कि जैसे आपने पहले बात की थी कि राहुल कसवा को व्यक्तिगत वोट मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है व्यक्तिगत वोट मिलेंगे और माइनॉरिटी का भी फुल स्टाफ सपोर्ट मिलेगा, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है, लेकिन मैं सभी जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि अवसर को देखते हुए आप चूरू जिले को देखिए, आपको अगर चूरू जिले में पहले विकास हुआ मिला है, जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी के वो सेना में थे, शामिल थे, सांसद थे, बीजेपी से थे, लेकिन चूरू जिले की जो दशा है, जो हाल है, जो विकास कार्य कराए हुए हैं, जो बकाया है, और बाकी आगे वो जो करवाना है तो वो शायद राहुल कसवा ही करा सकते हैं। देवेंद्र सिंह झाझड़िया है, पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, देश का मान सम्मान है, और हम ये भी चाहते हैं कि उनको भी है ना विजयश्री मिले, हम ये भी चाहते हैं कि विजयश्री मिले। नहीं देखिए मैं आपको
आज के दिन किसी को भी मोदी जी टिकट दे दे, वो जीत के पक्ष में है। वो आज के दिन मोदी जी का जलवा है। कहने को तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि 500 सीट कांग्रेस की आएगी, लेकिन झूठी बातों में कोई दम नहीं है। कहने को आदमी कुछ भी कह सकता है। आज राजेंद्र सिंह जी राठौड़ मोमडन हमारे भाई हैं, उनके वार्ड में काम करते हैं, विकास करते हैं, उनको वो सिक्कों से तोलते हैं, फलों से तोलते हैं, लेकिन जब वोट देने के लिए जाते हैं तो राजेंद्र सिंह जी कहते हैं आप लोगों को हो क्या जाता है, एक वोट भी आपके ढोलकी में नहीं आता। ये बात सही है। राजेंद्र सिंह राठौड़ के आदमी ये कहते हैं कि मुस्लिम की तरफ से एक वोट भी नहीं है हमारे पास। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चूरू का विकास 35 साल में कुछ भी नहीं हुआ, ये बात है। हमें चूरू का विकास चाहिए और हम राजेंद्र सिंह को भाई समझते हैं और यानी कि पिता के बरोबर समझते हैं, फिर भी अपने यहाँ चूरू का विकास 35 साल में उन्होंने कुछ नहीं करवाया। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि चूरू ऐसी क्या चीज है जो कि चूरू में विकास नहीं होता, ये पूछना चाहता हूँ हर नेता और लीडर से। ये पूछना चाहता हूँ चूरू क्या चीज है जो चूरू में विकास नहीं। राहुल कस्बा दो बार सांसद रह चुके हैं, क्या उन्होंने विकास नहीं करवाया? चूरू में राहुल कस्बे ने विकास करवाया, ये बात गलत नहीं है, सही है कि कस्बे जी ने हर काम के लिए हर पब्लिक के लिए आगे भागा और इब भी है ना 100% राहुल कस्बे को यानी विकास फूल देंगे, वो विकास फूल देंगे राहुल कस्बा समझे, और राहुल कस्बे को वोट मिलेंगे। राहुल कस्बा जिंदाबाद, राहुल जिंदाबाद। और कांग्रेस आए के जितने भी लीडर है उनको वो लोग कुछ नहीं समझते, मेरा ये समझे हर 35 नेता 35 साल में हमें विकास चाहिए, चाहे हम किसी भी लीडर वोट लेना है वो वोट लोगे तो विकास चाहिए बस। राहुल कस्बा क्या है कि जातिवादी राजनीति ज्यादा करते हैं, वो नहीं होनी चाहिए, वो एक जाति विशेष के बहुत ही ज्यादा कटाक्ष करते हैं, जातिवाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए। विकास को लेकर वोट नहीं, विकास को लेकर तो वोट नहीं मांग रहे, विकास है तो उसके उसकी बपोती है 45 साल से, विकास में कमी कहां से, अगर विकास करवाते तो कमी कहां से रह गई, 45 साल से पहले उसके बापूजी थे और वह भी है, आज 45 साल से वो राज कर रहे हैं और पार्टी ने एक बार टिकट नहीं दिया तो पार्टी छोड़ के भाग गए हैं, अब विकास हो गया 45 साल से, विकास की कमी क्यों है यहाँ? उसका टिकट काटी ये बताओ, कोई कमी क्या थी? टिकट काटी 3.5 लाख से वोट से जीते हुए को टिकट काटने का मतलब तो बताना चाहिए ना, और 35 साल के अंदर चूरू में कौन सा विकास हुआ वो भी बता दे 35 साल में। ये है ना चूरू चौपाटी बना के बेड़ा गर्क कर दिया चूरू को, नहीं ये बताओगे उन्होंने विकास किधर था? एक तरफ तो लोग आ कह रहे हैं कि विकास को नहीं हो, एक तरफ कह रहे हैं विकास हो, ठीक है राम सिंह कस्बा ने विकास करवा दिया दोस्तों, चूरू में विकास, चूरू जिले का अगर वो सांसद है तो राहुल कस्बा तो था, तो फिर चूरू में विकास क्यों नहीं हुआ? जब 35 साल से वो सांसद यहाँ रहा है तो विकास क्यों नहीं हुआ? फिर आप कह रहे हो अच्छा है भी राहुल जी अच्छे हैं तो अच्छे हैं तो विकास क्यों नहीं हुआ? वो यो है कि बीजेपी ने उनको विकास नहीं करने दिया, बीजेपी ने विकास नहीं करने दिया तो अब तो विकास वो फ्री हो गए, विकास करवा देंगे 45-50 साल उसने बीजेपी में रहा विकास नहीं हुआ, अब वो विकास करवा देंगे, मतलब जो अपने पास आ गया तो उसको विकास हो जाएगा, 45 साल से राज में तब विकास नहीं हुआ। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि कोई नेता दूसरी पार्टी में रहता है लेकिन कहना ये है नेताओं का जनता का कि अगर वो नेता बाहर रहता है दूसरी पार्टी में बीजेपी के अलावा तो वो करप्टेड होता है, उस पर लांछन लगते हैं, उस पर जांचें बैठती हैं, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में जाता है तो मोदी वॉमसिंग पाउडर से साफ हो जाता है। ये मोदी तो आज आया है, 70 साल से कांग्रेस थी जब वहाँ पर करप्शन जाँच वो नहीं करवाते थे क्या? नहीं मोदी जी आज सरकार में वो जाँच तो वही करवाएगा, जो कुर्सी पर होता है जांच वही करवाएगा, उसके तो लोग तो विरोध तो करेंगे लेकिन जांच तो हकीकत में जो चोर है उसकी जांच तो होनी चाहिए, चाहे मोदी हो चाहे कांग्रेस हो कोई भी हो, जो चोरी करता है उसकी जांच होनी चाहिए। अब भर्तियों में आपने घोटाला नहीं देखा, ये भर्ती लोग एक एक परिवार से 10-10 लोग भर्ती हो रहे हैं, टीचर में हो रहे हैं, पैसे दे के हो रहे हैं, पेपर चोर लिया उनके ऊपर जांच नहीं होगी? एक गरीब का बच्चा पढ़ के घर बैठा है और ऊपर से पेपर चोरी कर लिया, बड़े बड़े नेताओं के जो अधिकारी बैठते हैं वहां पर आरपीएससी में, अच्छा वो करोड़ 2-2 करोड़ दे के वहां आरपीएससी में जाने के लिए क्यों तैयार रहते हैं? ऐसा वहाँ क्या है? नौकरी तो उनको और कहीं मिल जाएगी। सर पेपर लीक को मुद्दा बना रहे हैं, वो तो ऐसे बनाते हैं, ये तो बनाते हैं बस माहौल बनाने के लिए है। और 35 साल में विधायक रहे, उन्होंने क्या काम कराया वो तो बता देना, जो ने को बोया ही चूरू चौपाटी बना के। सर राजेंद्र सिंह राठौड़ लगातार चूरू के कदावर नेता रहे हैं और लेकिन
विधानसभा चुनाव में हार गए वो। नहीं हारना एक अलग है, वो अपने सीट पर, वो परंपरागत सीट छोड़ने की वजह से यहाँ की सीट से नहीं हारते वो, वहाँ चले गए हार गए, वहाँ पर उनके लोगों ने हारा है, उनके साथ धोखा हुआ है, उनको साथ रह के लोगों ने चुनाव हारा है। सर हम सबको पता है किसने हारवाया नहीं आते थोड़ी यहाँ नहीं आते दिया। ये गलत है, मैं तो यही कहता हूँ जातिवाद की राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये जो जातिवाद की राजनीति करनी है जातिवाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बताओ मोदी मोदी सरकार में 10 साल बोल रहे हैं कि करो, अब केंद्र में बीजेपी सरकार बनेगी, ये करा लेगा वो 25 कैंडिडेट कुछ कांग्रेस के आगे सरकार है, काम होगा देवेंद्र झाझड़िया चुनाव जीतेगा 100% देवेंद्र झाझड़िया चुनाव जीतेगा, राहुल यहाँ पे मोदी के नारे लगने शुरू हो गए हैं लगातार, जो कांग्रेस है या बीजेपी हो दोनों के समर्थक यहाँ पे खड़े हैं मेरे साथ है, वापस गए क्या कहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं नारा लगने से कुछ नहीं होता, जो विकास कराने वाला नेता होगा वही काम करने वाला होगा, और जो ईमानदार नेता होगा वो चूरू की तरफ देखेगा और चूरू की आवाम की तरफ देखेगा, चूरू के गरीबों की तरफ देखेगा, वो चूरू के गरीबों की तरफ जो नेता नहीं देखता वो हम उसको नेता और लीडर कुछ नहीं समझते। जो चूरू के जो गरीब है वो गरीब जो बच्चे हैं यानी कि गरीब आदमी है उनकी तरफ ये नेता लोग नहीं देखते, ठेले लगाने वाले होते हैं, मांग के खाने वाले होते हैं, आज उनकी हालत बेकार है। इसलिए ये मेरा कहने का मतलब ये जो नेता होता है वो जो लीडर होता है वो गरीब का पूरा ख्याल करता है, जो गरीब का ख्याल नहीं करता उसको नेता वो लीडर हम नहीं समझते। वोट लेने के लिए वो 100 तरीके की चीजें मांगता है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे ये कर देंगे, फिर उनके पीछे पीछे फिरे वो सुनाई नहीं देते। एक युवा और स्टूडेंट छात्र मेरे साथ मौजूद है, उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम आपका? प्रदीप प्रजापत है। कहाँ से हो आप? चोरू से ही। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 11वीं में। सरकारी स्कूल में पढ़ते हो? सरकारी स्कूल में। इस प्रकार देखते हैं कि विकास को लेकर, चलो आपके रोजगार की बात कर ले, क्या शिक्षा को लेकर क्या आयाम है, क्योंकि राहुल कसवाद पहले यहाँ पे कदावर नेता रह चुके हैं और राजनीति में उनका अच्छा वर्चस्व है, क्या उन्होंने काम विकास करवाया आपकी शिक्षा को लेकर? जब तक वो बीजेपी में थे तब तक तो उन्होंने करवाया था, अब आगे का पता नहीं। हाल फिलहाल क्या लगता है कि आगे फ्यूचर में आपको किस प्रकार से आयाम मिलने हैं शिक्षा के क्षेत्र में? वो तो आप जो सरकार आएगी उसके हिसाब से होगा, बीजेपी की सरकार आएगी तो जरूर होगा, कांग्रेस की आएगी तो नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि जैसे कांग्रेस है लगातार दावे कर रही है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल कर दिए गए हैं तमाम जो देश के राज्य हैं उनमें नहीं है, लेकिन राजस्थान में इंग्लिश मीडियम हो गए जो भी सरकारी स्कूल थे, अब बच्चों को आप जैसे छात्रों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का मौका मिलेगा? तो छात्र इंग्लिश मीडियम स्कूल करने से क्या होता है, इंग्लिश मीडियम के टीचर भी तो होने चाहिए वहाँ पे, वैसा भी टीचर भी होना चाहिए। जो हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम में बना देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा ना। और कुछ कहना चाहिए आप? नहीं जी, मोदी को वोट देंगे, देवेंद्र झाझड़िया को जिताएंगे। आपका वोट लगता है? आपका हमारा वोट लगता है। पहली बार दे रहे हो दूसरी बार? नहीं दूसरी बार दे रहे हैं। छात्र हैं, शिक्षा विकास को आयाम को लेकर लगातार यहाँ पे दावे किए जा रहे हैं और शिक्षा को लेकर उन्होंने साफ कहा है कि जब तक राहुल कसवा बीजेपी में था तब तक उन्होंने विकास करवाया। हाल फिलहाल स्थिति 10 की 10 है, देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस में जाने के बाद वो कितना विकास करा पाते हैं। तमाम जो समर्थक है मेरे साथ मौजूद है, सर आपसे बात करना चाहूंगा एक बार, क्या कहेंगे लगातार दावे, पूरा माजरा समझ गए होंगे आप किस मुद्दे पर बात हो रही है, क्या समर्थक कह रहे हैं, क्या कहेंगे? मोदी मोदी खाली मोदी, मोदी के अलावा कुछ नहीं है। देवेंद्र झाझड़िया जीतेगा 4000? राहुल कसवा लगातार? नहीं जीतेगा मोदी 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 बीजेपी में हो यदि राहुल कसवा हो, राहुल कसवा ने कौन बुझा है, कोई कौन बुझा है, काम ही कौन करे, वो करोगे अभी का पिताजी रहे तो क्या करे, 35 साल को विकास वो तो बताओ, ये पब्लिक करे कि राजेंद्र ने क्या किया तो वो तो बताओ कि हमने भी तो 35 साल यहाँ एमपी रहे हैं, हमने क्या किया है 35 साल में, ये मोदी जी की सरकार थी 10 साल से तो राहुल ने काम किया है, उनके पिताजी थे उन्होंने क्या किया, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने क्या किया, क्या किया कांग्रेस ने, क्या कहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि टिकट कटने से किसी भी आदमी का पार्टी छोड़ना एक बहुत बड़ी बात है, और मोदी जी की सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए थे, वो राहुल जी एमपी थे तो मोदी जी का नेतृत्व था और मोदी जी के नेतृत्व में ही योजनाएं और मोदी जी के नेतृत्व में ही कार्य हुआ था। अब रही बात यहाँ से, तो मोदी जी के नेतृत्व में सब लोग मोदी जी के साथ हैं और बीजेपी की ही सरकार बनेगी और बीजेपी के अंदर हम लोग सब देवेंद्र जी झाझड़िया के साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी ये जो चल रहा है कि सामंतवाद वाला ये कुछ नहीं है, सब 36 कौम है, 36 कौम को लेके मोदी जी चल रहे हैं साथ में,
आज यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि मोदी जी किसी को भी। आपने बात कही कि पार्टी छोड़ने के लिए उनको वर्चस्व कम हुआ है, लेकिन ज्योति दादाजी सिंधिया था कांग्रेस में थे और उन्होंने जाके ही बीजेपी ज्वाइन कर ली और केंद्र में मंत्री बन गए, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए सर, वो ज्योतिराजू जी सिंधिया थे, उनकी एक कोई घरेलू कोई प्रॉब्लम थी कांग्रेस से और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी ने उन्हें तवज्जुब दिया, मोदी जी के नेतृत्व में उन्हें तवज्जुब दिया है और उनको मंत्री बनाया है। आज वसुंधरा जी थी, वो भी तो पीछे अपने मुख्यमंत्री की दावेदार थी, उनको मुख्यमंत्री, उन्होंने तो पार्टी नहीं छोड़ी। आज ऐसे कई दिग्गज हैं, जैसे अपने गंगानगर से ले लो, उनकी भी तो टिकट, ऐसे 15 टिकट कटे राजस्थान में, टिकट कटने से कोई पार्टी थोड़ी छोड़ देगा। कोटा से प्रहलाद गुंजल लगातार बीजेपी के समर्थक रहे हैं, बीजेपी का दावा नेता रहे, लेकिन प्रहलाद गुंजल हाँ जी हाँ जी ओम बिरला के सामने कांग्रेस के टिकट लेके दावेदारी कर रहे हैं। नहीं, वो दावेदारी कर रहे हैं वहां से, ओम बिरला ही है, बाकी उन्होंने जो कांग्रेस की जो भी बागी जा रहे हैं ना, बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं, उन्हें कोई वजूद नहीं है। क्योंकि उनका जो उनका कार्यकाल उठा के देखो आप, कि मोदी जी के साथ थे तो कार्यकाल था, अब आज रेल मान लो, कुछ भी मान लो, जो भी है मोदी जी के साथ ही है, और मोदी है तो मुमकिन है, सीधी सी बात है। देश का आज जितने भी काम किए हैं, 370 देख लो, 3 तलाक देख लो, जिसपे भी काम किया है मोदी जी ने, बढ़िया काम किया है। आप युवा है, क्या नाम आपका? विकास। विकास, विकास जी, विकास की बात कर ले, विकास जी कितना विकास का है? मोदी जी के राज में 10 साल में काफी विकास हुआ है, हर सेक्टर में विकास हुआ है, रेलवे लाइन में हो गया, अपने रोडों का हो गया, एयरपोर्ट का हो गया, शिक्षा स्तर पर हो गया, महिला सुरक्षा के रूप में हो गया। मोदी सरकार 10 साल में बहुत अच्छा कार्यकाल गया है उनका, और हमें दोबारा उनको 5 साल के लिए मौका देना चाहिए। देश अपने GDP के स्तर पर अभी आगे बढ़ रहा है, देश 5वें स्थान पर आ गया, तो मोदी जी का जो विश्वास है हम लोगों में, तो वो हमें बरकरार रखना चाहिए और मोदी जी को मौका देना चाहिए। एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है कि आपने कहा कि रेलवे लाइनों की बात की, आपने एयरपोर्ट की बात की, आपने तेल कंपनियों की बात की, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि तेल कंपनियों को उन्होंने बेच दिया, एयरपोर्ट को उन्होंने बेच दिया, क्या कहेंगे इस पर? प्राइवेट सेक्टर में लगाया पूरे, जब सरकारी था। बेचने का वो कोई प्रोसेस नहीं है, वो तो क्या है कि किसी चीज को जैसे सरकारी कर्मचारियों को जैसे काम पे लगाने के लिए कुछ किया जाता है, उसी हिसाब से उनको किया है, वो बेचने वाला कोई बात नहीं। जनता का आरोप है कि अडानी अंबानी को उन्होंने श्रेय दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये जनता के अंदर भ्रम फैलाने का काम कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी जो कर रहे हैं देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। अब कोई तो भगवान को भी सारे अच्छे नहीं बोलते, कोई तो विरोध करने वाला चाहिए ना, तो ऐसा माहौल जो लोग फैला रहे हैं, जो उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, वो बिना मुद्दे के लोग। नीरव मोदी लगातार पैसे खा के भग गया है विदेश में, क्या कहेंगे? मोदी तो 10 साल में आया है, नीरव मोदी के मामले कितने साल पहले से चल रहे हैं? 10 साल में घोटाला हुआ, पता है 10 साल में लगा? 10 साल में घोटाले का बताओ आप मेरे को कि ये घोटाला हुआ है इस पे, आप बताओ। नीरव मोदी तो बहुत पहले का है, आप इस पे नहीं कह सकते। विजय माल्या, विजय माल्या भी पहले का है, भगा तो 10 साल में, वो भागा है, वो बात अलग है। भागा कैसा? मोदी आने से, मोदी सेक्टर से भागे। आप मानते हो कि मोदी आने से सिक्योरिटी टाइट नहीं हुई? सिक्योरिटी टाइट हो गई, और वो जो भागा कैसे फिर, वो सिक्योरिटी टाइट हुई? डरता बच गया। भागा कैसे, देश छोड़ दिया उसने? तो देश तो छोड़ेगा, मोदी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ढील हुई, सिक्योरिटी में कमी रही है। वो उनसे पहले, अगर आपकी सरकार चाहती है, मोदी सरकार चाहती तो शायद उसको पकड़ सकती थी, भगने नहीं जाता था। वो तो मोदी के आने से देखते ही डर गए, पहले भाग जाओ। चलो मैं इस मुद्दे पे आता हूँ कि मोदी लगातार दावे कर रहे हैं कि विदेशों में हमारी साख बनी है, तो कहीं ना कहीं वो विदेश में, कोई ना कोई विदेश में छुपा होगा। कब तक? जल्दी ढूंढेगा अब सरकार, ढूंढ लेंगे उसका, जल्दी हो जाएगा। कहाँ छुपेंगे? मतलब जो भी गुनहगार है उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो एक भ्रष्टाचार करने वाला, कितने थाव डालेगी, चाहे वो कितने दिन डालेगी, आएंगे वो भी लाइन पर लेंगे मोदी जी उनको सब करने वाला, चाहे बट नीरव मोदी हो चाहे विजय माल्या हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। इस देश का पैसा है वो इसी देश में आएगा, इसलिए हम 5 साल एक बार मोदी जी को मौका दे के देखिए, अच्छा विकास हो रहा है, सबको साथ लेके चल रहे हैं, इस बार हम बीजेपी की सरकार आएगी 400 पार आएगी। सर क्या कहेंगे आप, लगातार दावे किए जा रहे हैं झाझड़िया को लेकर, कस्बों को लेकर? जी बात ऐसी है कि जो ये अपनी राजनीति ना, स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। राहुल कस्बा उसके फादर थे MP, ये खुद रहे MP, मदर MLA रही हुई है। अब अगर मोदी जी ने उनका टिकट काट दिया तो ये किसी दूसरे के ऊपर अपना वो लगा रहे हैं कि फलाने व्यक्ति ने कटा दिया। राशन में और जगह भी कटी हुई है, क्या उनकी भी पोती है कि भाई यही बनेगा, हम ही रहेंगे? आप मानते हैं कि टिकट कटना और पार्टी चेंज करना कहीं ना कहीं डाउन करेगा उनको? जरूर। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले कांग्रेस में थे, फिर उन्होंने आनंद फानंद में बीजेपी ज्वाइन कर ली और केंद्र में मंत्री बन गए, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उन्होंने किया, वो उनका काम था वहाँ के का जो है, हम अपने चूरू के बता रहे हैं। उन्होंने बड़े नेता थे, वो तो बड़े नेता थे, बहुत बड़े नेता थे।
नेता है तो मतलब बदलते रहते हैं, पार्टी ऐसी नहीं है। इसमें भी कोई संशय नहीं होना चाहिए, पार्टी बदल, आपने कहा है पार्टी बदलते रहते हैं तो इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो राहुल गोस्वामी को गलती नहीं की पार्टी बदल के? पार्टी बदलने का उनको अधिकार है, बदलो, लेकिन उनका बेटर एटीट्यूड ये रहता कि अगर वो बीजेपी में रहते और आगे मतलब अभी जी साथ होकर अगर देश को उनको इतना था ना कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता था और सैनिक था और अभी भी हूँ, रह के झाझड़िया का सपोर्ट करके वो लेके जाते, उनको जरूर से कुछ ना कुछ आगे बेनिफिट मिलता है इस चीज़ का। ये तो सिर्फ राजनीति स्वार्थ हो गया, मेन पॉइंट दिस वुड ये चीज है ना कि फलाने व्यक्ति ने कटा दी, जाट वर्सेज राजपूत कर दे, ये पॉलिटिक्स गलत है उनकी, मेरा कहना। लेकिन राहुल कुशवाहा का ये कहना है कि बीजेपी में उनको तिरस्कार की जिंदगी जीनी पड़ी, जलील होना पड़ा, जलील होना पड़ा। वाह वाह क्या बात करते हैं भाई, इट्स ये कोई नॉनसेंस बात कर रहे हैं। वो बीजेपी में रह के उनको ऐसा हो गया, कल तक तो उनके बीजेपी सबसे सुपर था और आज उनके लिए वो मतलब कि प्रहलाद गुंजल ने भी यही बात कही है। अजी कहने के क्या है, कहने के तो मैं कुछ भी कह सकते हो, ये भारत है, यहाँ पे सबको अपने बोलने का अधिकार है, कोई ये डेमोक्रेसी वो नहीं है यहाँ पे कि भाई चलो बोल दिया तो हो जाएगा, लोकतंत्र है, इसलिए आपको भी कहने का अधिकार है, मैं भी बात कर रहा हूँ तो जाएगी उनकी तक तो वो बोलेंगे नहीं। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए जो भ्रष्टाचार करेगा उसका यही नतीजा होगा, ये कोई बात सुनो, कोई ये प्रधानमंत्री जी और ना राष्ट्रपति जी कोई कुछ ही नहीं करते हैं, ईडी अपना एक विभाग है जो अपना काम करता है, अगर आपके पास गलत काम किया है तो आपको पकड़ेगी, सजा होगी, भुगतनी पड़ेगी। एमपी के बीजेपी सांसद लिप्त पाए गए हैं, अवैध संपत्ति मिली है उनके पास, उन पे भी कार्रवाई होगी? कार्रवाई अभी तक नहीं होगी, कब होगी? आप धीरे धीरे ठाकरा जी, साल एक साल एक से डेढ़ साल हो गया उनको। अरे हो जाएगी, सब होता है, ये नहीं कि इधर आ गए तो हम हो गए, ये सबका होगा, कैसे नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब मीडिया दिखाए तभी आप मानोगे कि मोदी? मीडिया किसी एक एक पार्टी की नहीं है, मीडिया को भी चौथा स्तंभ है अपने देश का, तो इसलिए मीडिया को भी एक पॉजिटिविटी की तरह काम करना चाहिए। पिछले साल पांच सालों में कह रहे विकास हुआ है, क्या खाक विकास हुआ है? 17 बार पेपर लीक हुए हैं तो भजनलाल जेल में नहीं डालेंगे तो क्या करेंगे? मोदी ने डाला तो वो तो सरकार तो राजस्थान में फिलहाल में राजस्थान में बीजेपी की सरकार है ना, किसी भी क्वेश्चन भी डालो सही, टिड्डी की रेट पड़ेगी। और आपने कहा कि केजरीवाल है तो जो भ्रष्टाचार करेगा उसको चाहे कोई भी हो, वो चाहे राहुल कुशवाहा चाहे सब जाएंगे। भजनलाल सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को श्रद्धांजलि दे दी, क्या कहेंगे? वो भूलवंश शब्द भूलवंश कुछ भी निकल सकता है, भूलवंश। एक मुद्दा मैं भी रखूंगा कि राजस्थान में जब कोरोना था तब कांग्रेस सरकार ने 28,000 कोविड कर्मी लगाए थे, नर्सिंग स्टाफ सीएचए कोविड स्वास्थ्य सहायक, उनका प्रदेश मीडिया प्रभारी हूं मैं प्रवीण सारस्वत चूरू से, तो हमको कांग्रेस ने उस टाइम काम करवाया जब बच्चा मतलब बाप बेटे के पास नहीं जाता था, तब मतलब हमने काम किया था उस टाइम, लेकिन कांग्रेस ने निकाल दिया और बीजेपी की जो सरकार थी उस टाइम उन्होंने वादा किया था कि सरकार बनते ही हम आपको नौकरी देंगे, आज वो नौकरी नहीं दे रहे, 2 साल हो गए भटकते हुए। आपने धरना भी दिया था जयपुर में पिछले दिनों जब आचार संहिता से पहले, सीएचए अभी भी लगातार मेरे संपर्क में है, मेरे पास ग्रुप है, तो क्या लगता है कि मोदी सरकार ने जो वादा किया था वो फेल हो रहे हैं? सर मैं खुद अभी पिछले दिनों 5 बार भजनलाल जी से खुद मिला हूँ, उन्होंने बोला कि हम आपका काम चुनाव बाद में करेंगे, अब चुनाव बाद में देखो 2 साल हो गए, आश्वासन पे आश्वासन हमें कांग्रेस ने भी दिए और बीजेपी सरकार भी अभी दे रही है, अगर यही हाल रहा तो फिर ना तो देखो हम बीजेपी को वोट देंगे या मतलब ऐसी सिचुएशन रहेगी हमारी। आपका नाम बता दीजिए एक बार। प्रवीण सारस्वत। प्रवीण, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है कि जैसे ही भजनलाल सरकार सत्ता में आई तो शहीद स्मारक की बात करें, जयपुर के शहीद स्मारक की बात कर ले, सिफू पैरामेडिकल्स की बात कर ले और आपके सीएचसी की बात कर ले, लगातार धरने शुरू हो गए थे, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, धरने हमारी एक बजट में घोषणा की थी गहलोत साहब ने उस टाइम, तो वो घोषणा आज मतलब स्वास्थ्य विभाग में उसकी वित्त विभाग से फाइल क्लियर हो गई, लेकिन बीजेपी को पता नहीं क्या है कि इन्होंने मतलब इस चीज को अभी तक रोका रखा है, अब ये क्या चाहते हैं, इनको वोट नहीं चाहिए। अब जिस तरह अगर कांग्रेस सरकार हमको वोट नौकरी दे देती उस टाइम 31 मार्च 2022 के बाद, तो ये मानो कांग्रेस सरकार आज यहाँ होती राज में,
लेकिन अगर बीजेपी ने अगर हमको 19 अप्रैल से पहले नौकरी नहीं दी तो हम बीजेपी का पूर्णतया विरोध प्रदर्शन करेंगे, यही बात है सर। शुरू की बात करें, राहुल कसवा देवेंद्र झाड़िया हैं, किसको समर्थन करेंगे आप? राहुल कसवा जी से मेरी खुद बात हुई थी, उस टाइम मैंने उनको उनसे खुद मिला था तो वो बोले कि मैं खुद एक असमंजस में हूँ। शायद उन्होंने उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया था बीजेपी ने, तो वो बोले कि मैं दो दिन बाद में आपको बताता हूँ। दो दिन बाद में उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली, कांग्रेस पार्टी। उसके बाद मैंने उनको बोले सर आप हमारे लिए ट्वीट तो कीजिए, आपने हमारे लिए उस टाइम भी ट्वीट किया था गहलोत साहब के भाई आप इनको नौकरी दीजिए, लेकिन नहीं उन्होंने उसके बाद में हमारी आवाज़ तक नहीं उठाई राहुल कसवा जी ने। तो ये जनता सूर्य की है, जनार्दन है और साफ साफ है, जिस दिन तपती गर्मी है राजस्थान में, लू में लू के थप्पड़ है, यहाँ की चूरू की जो गर्मी है, राजनीति की गर्मी की बात कर लें, वो कहीं ना कहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि राहुल कसवा और देवेंद्र झाड़िया में कौन फाइट करता है और कौन जीतता है, क्योंकि लगातार दावे किए जा रहे हैं। देवेंद्र झाड़िया भी एक कदावर नेता माने जा रहे हैं यहाँ पे, आल बिलाल और राहुल कसवा है उनका पैतृक जो राजनीति के ग्राउंड है वो कहीं ना कहीं इनको वर्चस्व में लाएगा। कैमरा पर्सन रमाकांत व्यास के साथ संदीप अग्रवाल, द नगरी मीडिया, जयपुर।